गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू www.dineshmiglani.com. इट्स ए वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन. इट्स सॉर्ट ऑफ ए क्विज फ्रॉम दिसंबर 1 टू 2000, 7 दिसंबर 2017. फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ द वीडियोस, यू मे सेंड मी ए व्हाट्सएप मैसेज 09215514435. विद दैट यू विल गेट द करंट अफेयर्स रेगुलरली ऑन योर व्हाट्सएप. For more videos, you may log in to our website www.dineshmiglani.com. It's a bilingual section. Let us start with the session, taking questions one by one. First question is, which organization has agreed its first oil output cuts since 2008 after Saudi Arabia oil production dipped? Right, we know that oil organization is OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, right? So OPEC has taken a decision to cut since 2008. Next one is, the Union Cabinet has given its approval to include in the other backward classes list in which of the following state? देखो, recently Union Cabinet ने approval दिया है कुछ states के अंदर OBC करने के लिए, जिसमें असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश. असम भी है, बिहार भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट हिमाचल प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, उत्तराखंड भी है, राइट, मध्य प्रदेश भी है, जम्मू एंड कश्मीर भी है, राइट. तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव. इन सभी स्टेट्स के अंदर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है ओबीसी में इम्प्रूव करने के लिए. अपोजिशन पार्टीज हैव आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू इंटरवीन रिगार्डिंग विच बिल, राइट. तो अपोजिशन पार्टी हैज डिसाइडेड प्रणब मुखर्जी फॉर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल. इश्यू क्या है, इश्यू इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन. दे हैव गोन फॉर बेसिक इश्यू इज दैट इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल द अपोजिशन पार्टीज हैव आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू इंटरवीन. हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस? फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, ही इज गोइंग टू लीड इन हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, राइट. प्राइमली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इज पार्टिसिपेटेड बाय 30 कंट्रीज, राइट, इंक्लूडिंग चाइना, यूएस, रशिया, पाकिस्तान, राइट. द रीजन इज वाई अरुण जेटली इज गोइंग बिकॉज द सुषमा स्वराज इज नॉट वेल, राइट, एंड द कॉन्फ्रेंस विल बी इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी एज वेल एज अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गानी. Next one is, name the cyclone which is heading towards Tamil Nadu and Puducherry, right. So we know that the cyclone name is Nada. The name of the cyclone name is Nada, that is going to approach Tamil Nadu and Puducherry. On December 1, the UN imposed new sanction against which of the countries, right. Recently, UN United Security Council have made new sanctions against North Korea. So, answer is said to be North Korea. Fidel Castro ashes on November 30 reached which city? Right, we have to tell the name of the city, that is Havana. The name of the city is Havana, right. So, there the ashes of the Fidel Castro have been reached. Next question we have, which country on November 30 approved a law banning full face burqa, right. There is a law banning full face burqa, that is Netherlands, right. They have approved a law banning full face burqa, right. Next one is, on December 1, which country has allowed women to drive cars? सऊदी अरेबिया. देखो, सऊदी अरेबिया में अभी तक वुमेन्स को कार ड्राइविंग अलाउड नहीं था, राइट. तो दे दैट हैज बीन अलाउड बाय सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वुमेन आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, ठीक है. अब दिसंबर 1 से उनको अलाउ कर दिया गया है ड्राइव करने के लिए. विच कंट्रीज डेप्टी स्पोक्सपर्सन हैज प्रेज द डिमोनेटाइजेशन मूव बाय इंडियन गवर्नमेंट? United States Deputy Spokesman, the answer is said to be USA, Mark Toner. The name of the Deputy Speaker is Mark Toner. Mark Toner, he has praised the demonetization move. According to a new notification, in the first week of December, people can withdraw 24,000 every week. Right, every week people can withdraw 24,000, that we know. The answer is said to be fourth one.
इंडिया हैज साइंड ए 5,000 करोड़ डील फॉर 145M777 अल्ट्रा लाइट होटाइजर विद विच कंट्री, राइट? तो दैट डील हैज बीन मेड विद यूएस, राइट? तो दैट आंसर इज सेट टू बी यूएसए. तो दैट डील हैव बीन मेड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट न्यूज इज इन विच स्टेट इज द श्री पेदामन भास्वामी टेम्पल इज लोकेटेड, राइट? दैट टेम्पल इज लोकेटेड इन केरला. तो आंसर इज सेट टू बी वन. द वाई इट इज इन न्यूज, द रीजन इज 30 वुमेन वेयरिंग सलवार एंड चूरीडास एंटर्ड द सेंचुरी ओल्ड श्री पेदामन स्वामी टेम्पल इन केरला फॉर द फर्स्ट टाइम. दैट्स वाई दैट वॉज इन न्यूज. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू ए यूनेट्स रिपोर्ट, हाउ मेनी मिलियन पीपल वर लिविंग विद एच आई वी वायरस एट द एंड ऑफ द 2015 इन द होल वर्ल्ड? नियरली अबाउट 37 मिलियन पीपल सो दैट हैव बीन अंडर द एच आई वी वायरस इन्फेक्टेड. नेक्स्ट वन इज द दिल्ली हाईकोर्ट हैज सेट असाइड द यूनियन गवर्नमेंट अ डिसीजन टू बैन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग, राइट? द गवर्नमेंट हैज मेड ए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, दैट इज 344 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग दैट हैव बीन बैंड बाय दैट दिल्ली हाईकोर्ट. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेज्ड आधार कार्ड इनिशिएटिव कॉलिंग इट एज ए क्रिटिकल स्टेप टू हैव ए फेयरर एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट? तो दैट हैव बीन बाय यूएन रिपोर्ट, राइट? तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दैट हैव रिसेंटली प्रेज्ड इट. तो आंसर इज सेट टू बी यूएन. नेक्स्ट वन इज यूएस इलेक्शन रिकाउंट वॉज रिक्वेस्टेड बाय, तो बेसिकली दैट इज रिक्वेस्टेड बाय हिलेरी क्लिंटन, राइट? शी दैट रिक्वेस्टेड बाय द ग्रीन पार्टी कैंडिडेट जिल स्टीन. जिल स्टीन दैट इज फोर्थ वन, दैट्स अवर आंसर. ही दैट कैंडिडेट बिलोंग्स टू द ग्रीन पार्टी, कैंडिडेट बिलोंग्स टू द ग्रीन पार्टी, राइट? ही रिक्वेस्टेड फॉर रिकाउंट इन यूएसए. एज पर ए न्यू नोटिफिकेशन रूपीज नोट्स कैन बी यूज एज पेट्रोल पंप टिल दिसंबर 2, राइट? वी नो दैट द 500 नोट्स, राइट? रूपीज 500 नोट्स कैन बी यूज टिल दिसंबर 2 ऑन द पेट्रोल पंप्स, राइट? तो आंसर इज सेट टू बी फिफ्थ इज अवर आंसर. रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज एक्सटेंडेड द फ्री सर्विस अंडर रिलायंस जियो वेलकम ऑफर टिल मार्च, राइट? वी नो दैट दैट हैव बीन देयर टिल मार्च 31, 2017, राइट? तो आंसर इज सेट टू बी थर्ड, मार्च 31, 2017. ऑन नवंबर 30, हाउ मेनी न्यू एलिमेंट्स वर एडेड इन द पीरियोडिक टेबल, राइट? 4 न्यू एलिमेंट्स हैव बीन एडेड, राइट? दे आर बेसिकली निहोनियम, मोसोकियम, राइट, टेनेसिन एंड ऑर्गेनस. तो 4 न्यू एलिमेंट्स हैव बीन एडेड. तो आंसर इज सेट टू बी 1. नेक्स्ट वन इज अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेड द डिसीजन रिगार्डिंग द डीमोनेटाइजेशन, दैट इज अंडर सेक्शन 24(1). तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज सेट टू बी थर्ड वन, अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट द डिसीजन हैव बीन टेकन. द गवर्नमेंट विल इश्यू ब्लैंक एट टोल प्लाजाज फॉर दिसंबर 2, राइट? तो दैट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द टोल्स फ्रॉम द मिडनाइट. द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एनकरेज पीपल टू फास्ट टैक्स, दैट इज बेसिकली फास्ट टैक्स. फास्ट टैक्स मीन्स तो दैट इज ऑन द कार्स, राइट? तो द कार कैन डायरेक्टली पास फ्रॉम द टोल टैग इफ दे हैव ऑलरेडी पेड. तो आंसर इज सेट टू बी सेकेंड वन. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल नॉट हैव एनी डायलॉग विद विच कंट्री एट द हार्ट ऑफ एशिया समिट, पाकिस्तान, राइट? ऑब्वियस आंसर इज इंडिया इज नॉट प्लानिंग टू मेक एनी डायलॉग विद पाकिस्तान. नेक्स्ट वन इज हु हैज अनाउंस दैट ही विल नॉट कंटेस्ट द 2017 फ्रेंच प्रेजिडेंट इलेक्शन, दैट इज द प्रेजेंट फ्रेंच प्रेजिडेंट फ्रांसिस होलैंड, राइट? ही इज द प्रेजेंट फ्रेंच प्रेजिडेंट. ही हैज अनाउंस दैट ही इज नॉट गोइंग टू फाइट द 2017 प्रेजिडेंशियल इलेक्शन. विच गवर्नमेंट एजेंसी विल मीट टेलीकॉम कंपनीज टू एनेबल आधार एनेबल्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू मोबाइल फोन्स, दैट इज नीति आयोग, राइट? तो दैट
इज बेसिकली ये एजेंसी जो है ये टेलीकॉम कंपनी से मीट करेगी कि आधार लिंक्ड कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाए. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिसंबर 1 आंसर्ड क्वेरीज रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन, दैट इज द मेन इश्यू इन द सुप्रीम कोर्ट. द आंसर इज सेट टू बी फोर्थ वन, डीमोनेटाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, राइट? तो दैट इज इन द इंटेलिजेंट योगा. तो प्राइमली जो योगा जो है दैट हैज बीन टेकन इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, राइट? तो आंसर टू माय क्वेश्चन इज सेड टू बी फर्स्ट वन, योगा. व्हिच हाई कोर्ट हैज टर्न डाउन ऑन ए प्ली टू लिव इन कपल दैट दे बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन. तो अलाहाबाद हाई कोर्ट हैज टर्न डाउन द प्ली ऑफ ए लिव इन कपल दैट दे बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन. तो दैट इज बाय अलाहाबाद हाई कोर्ट. हु लीड्स द पॉपुलर लीड ओवर प्रेजिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप? द यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी हिलेरी क्लिंटन पॉपुलर लीड ओवर द प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. तो आंसर इज सेट टू बी हिलेरी क्लिंटन. क्राइसिल हैज लोअर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फास्ट फोरकास्ट टू, राइट? तो अर्लियर द फोरकास्ट वॉज अप टू 7.9 बट नाउ दे हैव टेकन टू 6.9. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेट टू बी फोर्थ आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन. कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट हैज सेड दैट देयर कैन नॉट बी ब्लैंक एमआरपीज फॉर द सेम पैकेज आइटम विद इन ए स्टेट, राइट? तो प्राइमली देयर कैन नॉट बी टू एमआरपीज. वी फाइंड दैट एवरी प्रोडक्ट हैज ओनली ए सिंगल एमआरपी, तो देयर कैन नॉट बी टू एमआरपीज ऑन द पैकेट. हाउ मेनी ग्राम ऑफ गोल्ड विल नॉट बी सीज बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी इफ दे हैव परचेज थ्रू द डिस्क्लोज्ड इनकम, राइट? तो दैट इज सेट टू बी 500 ग्राम फॉर द मैरिड वुमेन, 250 फॉर अनमैरिड एंड 100 ग्राम पर मेल मेंबर, राइट? तो वी कैन से दैट इज 500 फॉर मैरिड वुमेन, राइट? तो आंसर इज सेट टू बी फर्स्ट वन. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच वेस्ट एशियन कंट्री रिसीव्ड स्नोफॉल रिसेंटली, दैट इज सऊदी अरेबिया. इन सऊदी अरेबिया देर वॉज ए रिसेंट स्नोफॉल. द सुप्रीम कोर्ट हैज सोड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स रिगार्डिंग विच स्पोर्ट, राइट? तो रिसेंटली इन जलीकट्टू, राइट? तो ये जो भैंसों की आपस में इस पे इश्यू चल रहा है काफी टाइम से, राइट? तो दैट इज अबाउट जलीकट्टू, राइट? विच स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th टू आधार कार्ड? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, दे हैव मेड इट मैंडेटरी आधार कार्ड फॉर द स्टूडेंट्स. इंडिया विल रिक्वायर हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ कोयल इन 2017, राइट? तो दैट इज प्राइमली 884.87, राइट? तो दैट इज द एस्टिमेट दैट इंडिया रिक्वायर फॉर द 2017. विच हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मोनार्क ऑफ थाईलैंड, राइट? तो मोनार्क ऑफ थाईलैंड इज प्रेजेंटली इज दैट इज रामा टेन. ही इज अपॉइंटेड एज मोनार्क ऑफ थाईलैंड. हाउ मेनी इन्फॉर्मिटीज हैव बीन लिस्टेड इन द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट? 21 इन्फॉर्मिटीज हैव बीन लिस्टेड इन पर्सन इन डिसेबिलिटी बिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रायन 2 स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय इसरो, राइट? तो दैट हैव बीन लॉन्च्ड इन द 2018, राइट? तो इट इज एन एक्सपेक्टेशन बाय द इसरो टू लॉन्च चंद्रायन 2 इन 2018. दैट्स योर आंसर. तो नेक्स्ट वन इज हु विल हेड द पार्लियामेंट्री कमेटी टू एग्जामिन द सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? तो उर्जित पटेल, राइट? उर्जित पटेल विल, राइट? तो आंसर इज सेट टू बी उर्जित पटेल, राइट? विद द उर्जित पटेल टू अदर सेक्रेटरीज आर देयर. वन इज शशिकांता दास एंड अदर वन इज अंजुई चिब दुग्गल. तो बोथ आर ऑल्सो देयर, राइट? तो वी कैन से दैट आंसर इज सेट टू बी फोर्थ वन,
ऑल ऑफ दिस तो दे विल एग्जामिन द सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ जाम्बिया दैट इज अडामा बैरो. अडामा बैरो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ जाम्बिया रिसेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग हैज बीन हॉस्पिटलाइज इन विच सिटी फॉर हेल्थ इश्यूज. राइट, ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज इन रोम फॉर हेल्थ इश्यूज. तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज सेट टू बी थर्ड वन. ऑन दिसंबर 2 एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट हाउ मनी ऑफिशियल पीएसयूज बैंक फॉर अलीस्ट इलीगैलिटीज इन द डिस्पेंसिंग ऑफ कैश. राइट, अराउंड 27 ऑफिशियल्स दे ऑन विच द they have been taken. Right, next one is who has been appointed as the interim chief executive officer of national stock exchange that is NSC. So J. Ravichandran. So answer is said to be second one. J. Ravichandran has been appointed as. Next question is which country on December 2 supported India's bid for permanent membership in UN Security Council, United Kingdom, England. England has supported for that in Security Council. China has expressed its anger against US President Donald Trump for speaking with the president of which country? Right, that you know that is Taiwan. Right, so Taiwan jo hai, ye abhi bhi China ke under mana jata hai. So Taiwan is a self-governing island with which US broke diplomatic ties in 1979. ठीक है, तो अभी इससे डायरेक्ट कोई भी कंट्री डील नहीं करता, बट डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली इधर से बात किया तो देर वाज ए कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन चाइना एंड यूएसए. द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल इंस्टॉल रियल टाइम एंड मैनुअल पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. राइट, तो प्राइमली दे हैव प्लान्ड फॉर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. राइट, दे हैव प्लान्ड फॉर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. राइट, इट मीन्स आई कैन से दैट नन ऑफ द अबोव. तो फिफ्थ वन इज माई आंसर. डेली हाउ मनी करोड़ पीपल अंडरगो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर द आधार कार्ड ऑल ओवर इंडिया. राइट, तो प्राइमली 40 करोड़ ए डे फ्रॉम 10 करोड़ टू एनकरेज. तो 10 करोड़ पीपल आर डेली ऑथेंटिकेटेड. तो फिफ्थ वन इज माई आंसर. Right, that is by the Unique Identification Authority of India. Right, and in general they are going to increase it up to 40 crores a day, but presently 10 crores. Name the Formula One driver who announced his retirement on December 2, Nico Rosberg. The name of the Formula One driver is Nico Rosberg. Which country has launched a the next question is, which country has launched a multi-year trials for AIDS vaccine? That is South Africa. They have launched a multi-year trial for AIDS vaccine. Team Indus, which is in news recently. So what do you mean by the Team Indus? It's a private aerospace company. So it's an aerospace company. So third one is my answer. The government has created bonds worth rupees blank lakh crores of demonetized fund. राइट, तो प्राइमली 6 लाख करोड़ टू सो करेंसी वर्थ 8 लाख करोड़ ऑफ डीमोनेटाइज्ड फंड्स. राइट, तो दैट इज 6 लाख करोड़. गवर्नमेंट इंटेंड टू रोल आउट जीएसटी बाय सितंबर 16, 2017. तो दैट इज सितंबर 2017. इट्स ए डेट टू टुडे. इफ आई चेक आउट, अरुण जेटली हैज सेड दैट फ्रॉम अप्रैल 1 टू 16 September. In them, we are going to apply the GST in all over India. The answer is said to be September. The High Court has rejected the interlocutory application filed by which businessman? Vijay Mallya. Right. So Vijay Mallya's interlocutory application has been rejected by the High Court. Which telecom company could be fined rupees 500 for putting PM Modi's photograph in front page newspaper deal? Right, so basically that is Reliance Jio. Primarily that is Reliance Jio. Right, so they have used PM Modi photographs in the front page newspaper ads. Right, so, but they have been fined only rupees 500. That's a controversy. That's a major issue. 500 rupees ka fine laga diya. Right.
Next one is which state received 2420 crore in cash on December 3 to give money to pay salaries to its employees and pensioners, right? Andhra Pradesh. So answer is said to be third one. Andhra Pradesh has received that much of money. Which country has appealed against sanctions by US over its nuclear program, right? So that is Iran. So Iran has appealed against US sanctions over its nuclear program. Who has been nominated by President Donald Trump as the United States Secretary of Defense, right? So he has General James Mattis. So General James Mattis, right? So answer is said to be fifth one. So he has been nominated as Secretary of Defense. In 2016, the Rabi production was down to by what percent till December 2, right? So that is down from 8.25% from normal until Friday. So right, that is 8.25%. Next one is, name the athlete who won the 2016 IAAF Male Athlete of the Year award in male category, that is Usain Bolt. He has been won the 2016 IAAF Male Athlete of the Year. Next question is, Pakistan People Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari will contest the 2018 election from which constituency, right? He has stated from Larkana. That's a constituency of Bilawal Bhutto Zardari, Larkana. Next one is, how much crore have been disclosed in Jan Dhan account, right? So till time around 1.64 crores have been stated in Jan Dhan account, lakhs crores. Ola cab has tied up with which bank to launch mobile ATM service in Chennai, right? So they have made a tie up with Indian Overseas Bank IOB in Chennai for mobile ATM. Pro-India defense policy will be enshrined into which company legislation, right? So that is in USA. So answer is said to be second one. India and Qatar signed how many agreements on December 3, right? So they have made number of agreements, 4 agreements on visa, cyberspace investment, right? So 4 agreements have been made. So answer is said to be first one. The Lok Sabha on December 5 will witness debate on demonetization under which rule? So that is rule 193. Rule 193, but we know that no debate have been there in Lok Sabha on demonetization. There is a deadlock between the state and center regarding control of blank under GST. Primarily, there have been a deadlock, that is the deadline of indirect that is on control of SSEs under the new. So basically there is a control of SSEs. So that's our answer. Answer is said to be fifth one. Afghanistan President Ashraf Ghani will meet which country Prime Minister regarding peace and stability of Afghanistan at the Heart of Asia conference, right? So that is with PM Modi. Right, that's the Prime Minister of India, India. Next question is, name the real estate agent who has disclosed an income of rupees 13860, that is Mahesh Shah from Gujarat. Right, to answer to your question is said to be Mahesh Shah, and after disclosing the income, jab income jab us pe penalty pay karne ki baat aayi to he got disappeared. Which country has given 900 million in economic and other assistance to Pakistan, right? So that is by USA. Okay, so answer is said to be fifth one. Which country's prime minister led a protest march against Burma for committing atrocities against the Rohingya people? That is Malaysia Prime Minister, right? And who is this? Najib Razak, right? He has led a protest march. What are the new provisions of the amendments right of the persons with
डिसएबिलिटीज एक्ट, राइट। तो बेसिकली इफ ए पर्सन मेक ए डिस्क्रिमिनेशन तो ही हैज बीन गिवन टू जेल फॉर 2 ईयर्स एंड फाइन अप टू 5 लाख, तो इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर्स। थर्ड वन इज अवर आंसर। अकॉर्डिंग टू विच बैंक 2.5 लाख करोड़ मे नॉट कम बैक इन टू द बैंकिंग सिस्टम ड्यू टू द मोनेटाइजेशन, दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इट्स ए प्रेडिक्शन बाय SBI एनालिसिस। इंडिया विल ट्रेन विच कंट्रीज पुलिस फोर्स फॉर 2020 फीफा वर्ल्ड कप, राइट। तो दैट इज कतर। इन 2022 द फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन कतर, तो इंडिया पुलिस विल हेल्प देम, विल ट्रेन देम। विच फीचर्स ऑफ 2016 अवार्ड फॉर द बेस्ट सिटीज इज ट्रू, राइट। तो दैट बेसिकली कलकत्ता अलोंग विद 10 अदर सिटीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट सिटीज ऑफ 2016 एंड अवार्ड इज इन द रिकॉग्निशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड इनोवेटिव प्रोग्राम। तो कोलकाता इज द ओनली इंडियन सिटी टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड, राइट। इट रिसीव द अवार्ड ड्यूरिंग द C40 मेयर समिट हेल्ड इन मैक्सिको। तो वट वी कैन से ओनली थर्ड वन इज राइट, राइट। ओनली लेट से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो वी कैन से दैट द सी इज राइट। एंड नेक्स्ट वन इज द अवार्ड इज गिवन फॉर स्टेप्स टेकन टू ट्रीट सॉलिड वेस्ट, राइट। तो हियर आई कैन से दैट बोथ बी एंड सी, द फिफ्थ वन इज माई आंसर, दे आर राइट। नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अप्रोच द प्राइवेट सेक्टर टू इम्प्रूव विच सेक्टर। तो बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर इज द मेजर इश्यू। तो इन रिसेंटली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रोच द प्राइवेट इंडस्ट्री। Presently, who is the Foreign Minister of Pakistan? Sartaj Aziz. Sartaj Aziz is the Foreign Minister of Pakistan. He recently met PM Modi in Heart of Asia Conference. Which country voter on December 4 will vote for a referendum on a constitutional reform will decide the political future of PM Mato Renzi. Right. The name of the country is Italy. The answer is said to be first one. In which year the Navy Day first celebrated in India? In 1971. First is our answer, right? Vijay Emmanuel, who is recently in news for following reason, right? He won a legal battle upholding the right not to sing the national anthem in school, right? Everyone has a right. So that is, he won a case upholding his right not to sing national anthem in the school. The third one is the answer. Next question is, in which city was ex-president of Cuba Fidel Castro buried, right? He was buried in which city, right? So the name of the city is Santiago de Cuba, right? So we have not any option here, so answer is said to be fifth one. Which country's prime minister resigned after suffering a heavy defeat in referendum over his plan to reform the constitution? That is Italy. तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा ना, इटली प्राइम मिनिस्टर मैटियो रेंजी। Who has been appointed as the president of Austria? The new president of Austria is Norbert Hofer. First one is our answer. Name the prime minister of the New Zealand who announced his resignation on December 5. Right. So that is John Key. He offered his resignation. The 7th World Ayurveda Congress is going to be held in Calcutta. The answer is said to be 5th one, Kolkata. Who won the Gangadhar National Award for the year 2015? Eminent Hindi poet Leeladhar Jaggery. So he has been going to win the Gangadhar National Award for the year 2015. Who won the 2016 Indian Children Peace Prize? That is 16-year-old Indian environmental activist based in UAE, right? So the name of that activist is K. Kashan Basu, right? The answer is said to be fourth one. He has got International Children Peace Prize. Home Secretary level talks have begun
begun between India and which country? That is India and Bangladesh recently in the first week of December. At 6th Heart of Asia conference, all the countries adopted the Amritsar Declaration. It will deal the terrorism as the biggest threat to peace. That is on terrorism. Which magazine has put Prime Minister Narendra Modi as the person of the year 2016? That is Time magazine. What is the PV Sindhu rank in the latest BWF world ranking? Right, the PV Sindhu. So that is 7th places of the PV Sindhu. 2 is my answer, 7th. Earlier it was 9th. India beat which country to win 2016 Asia Cup 20 tournament? The Indian women team has got this after beating Pakistan. So answer is said to be first one. Name the athlete who won the 2016 IAAF Athlete of the Year award in women's category. That is Almaz Aina of Ethiopia. Right, Almaz Aina, she has got IAAF Athlete of the Year award in women's 2015. Ola has partnered with, next question is, Ola has partnered with which bank? That is Yes Bank. Right, Uber we have seen in Chennai. As per the new plan, Niti Aayog will give an incentive of rupees blank to every individual who has shifted to the digital payment, that is rupees 10. The fourth one is our answer. Recently, a humanoid robot was developed in India. With fact of the robots are true. That is basically a software engineer designer Vijay has developed a human robot, right, which can perform multiple functions. The robot can walk, dance, sing and respond to any questions in more than 19 languages, right? So that the second one is true. Okay, the first one is wrong because name of the developer is Vijay, right? And next, that would be installed in the banks and airports. So 2 and 3 is true. So I can say that fifth one is my answer. In which year will the new large exposure framework guidelines come into effect? That is, in which year the guidelines would come in effect? In 2019. Answer is said to be fifth one. The government on December 4 announced that it will release new 20 and 50 notes. The new 20 notes will have the inset letter, that is R20. Right, the answer is said to be L. In that inset letter is L in both the number panel. So answer is said to be second one. India's FDI mark has crossed 300 million foreign direct investment. The first one is our answer. Which bank has raised 1000 crores by issuing bonds under Basel norms? That is Bank of Baroda. So Bank of Baroda has raised around 1000 crore by issue bonds that are compliant with global capital adequacy norms, right? So that's our answer. So that is our first session of the December. In that we try to cover number of questions from December 1 to December 5 2017. So in the series of sessions we will take all the important current affairs questions, so that now just watching this session you are able to understand what are the important questions for your exam and you can easily have in their mind. Thank you very much.